आरजेएन 24x7 न्यूज, मैं शुभम उपाध्याय। श्री शनिदेव धाम रानी सागर तट पर स्थित है, जो आप देख रहे हैं शनिदेव का आप दर्शन कर रहे हैं। इनका आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। शनिदेव धाम समिति द्वारा इस वर्ष जन्मोत्सव का 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। प्रथम दिन दीपोत्सव था। ये रानी सागर जो है हमारे इस राजनांदगांव की जीवन रेखा है, सरोवर ही हमारी धरोवर है। इस कल्पना को लेकर के इस बार जन्मोत्सव को प्रदूषण पर्यावरण जो है उस पर जागरूकता लाने के लिए, प्लस विशेषकर जल प्रदूषण जो यहाँ देख रहे हैं उसकी सफाई के लिए ध्यान में रखते हुए दीपोत्सव का कार्यक्रम आम जनता को जागरूक करना हमारा मकसद था, जो पिछले दिनों संपन्न हुआ। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम भोजन करवा रहे हैं। शनिदेव की मंशा है दीन दुखी सबकी जो है सेवा करना ही मूल सेवा है, यही राष्ट्र भावना है। इसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज एक विशाल भंडारा का समिति द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और मैं इस अवसर पर अपील करूंगा आम लोगों को, जनमानस को ये अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में अपने आसपास पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। जितने ज़्यादा पर्यावरण के प्रति सचेत होंगे उतने ही ज़्यादा आप जो है अपने जीवन को उन्नत और सुखी बना पाएंगे। क्योंकि अभी आपने देखा है कि पर्यावरण के प्रति लोगों के जो है एक जिस तरीके से हम अपेक्षित है वैसा नहीं होने से कोरोना ही आया है। ऐसी स्थिति में इस परिस्थितियों में पर्यावरण के प्रति मैं पुनः आपसे जो है आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप अपने आसपास साफ सफाई रखिए और देश के विकास और तरक्की में अपना योगदान दीजिए। शनिदेव कई वर्षों से यहाँ स्थापित है, पर इनका जीर्णोद्धार पिछले 1.5 साल से हुआ है। और यहाँ एक अच्छी बात देखने को ये मिली है कि जब शनिदेव का जिस तरह से जीर्णोद्धार हुआ, स्वमेव ये रास्ता जो वर्षों से जो विकसित नहीं था, स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसी बात हुई कि यहाँ पर ये सड़क जो है आज काफ़ी अपने पूर्ण रूप में आ चुका है। साथ में जो है पहले से यहाँ पे लोग जो है आना जाना ज़्यादा हो गया है, अधिक होने ज़्यादा आने जाने से ये एक व्यस्ततम मार्ग भी बन गया है। ऐसी परिस्थिति में हम निगम से अपील करना चाहेंगे कि यहाँ अगर जगह थोड़ा सा दे दें तो समिति अपने खर्च से उस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। यही अपील करूंगा मैं नगर निगम से और स्थानीय प्रशासन से। अपना नाम बताओ। राकेश कुमार ठाकुर, समिति प्रमुख। आज शनि महाराज का जन्मोत्सव है ना। आज सभी देशवासी मिलके शनि महाराज का जन्मोत्सव मनाते हैं। सिन्नापुर में भी आज शनि महाराज का जन्मोत्सव है। जैसे कि हम लोग प्रतिवर्ष, मेरे को आए 2 साल हो गया है, तो 2 साल से अपन ये कार्यक्रम कर रहे हैं, दीप जलाने का कार्यक्रम किए हैं और अपना शनिदेव का यज्ञ हवन किए है ना, और प्लस दिया जलाएँ। और ये अभी अपना सीताराम घाट बना है, अभी रानी सागर में नया बना है, उसका अपन दीप जलाए तो एक प्रकार से अपन उद्घाटन हम ही लोग कर डाले हैं। निगम प्रशासन तो करेगी ही, लेकिन एक शनिदेव के माध्यम से इस समय में पड़ा, इस नक्षत्र में पड़ा, तो उद्घाटन हमारे तरफ से हो गया है। और प्लस हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मतलब हम सभी को सुख समृद्धि देखना चाहते हैं। अंकल जी बताए जैसे कि पर्यावरण के बारे में है ना, यहाँ रानी सागर के बारे में, और प्लस मंदिर का थोड़ा सा जीर्णोद्धार करने के बारे में बताया गया। मैं बसंत कुमार दुबे, उपमनी गोत्र, राजनांदगांव, ममता नगर में का रहने वाला हूँ। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। श्री शनिदेव धाम रानी सागर तट पर स्थित है, जो आप देख रहे हैं शनिदेव का आप दर्शन कर रहे हैं। इनका आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। शनिदेव धाम समिति द्वारा इस वर्ष जन्मोत्सव का 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। प्रथम दिन दीपोत्सव था। ये रानी सागर जो है हमारे इस राजनांदगांव की जीवन रेखा है, सरोवर ही हमारी धरोवर है। इस कल्पना को लेकर के इस बार जन्मोत्सव को प्रदूषण पर्यावरण जो है उस पर जागरूकता लाने के लिए, प्लस विशेषकर जल प्रदूषण जो यहाँ देख रहे हैं उसकी सफाई के लिए ध्यान में रखते हुए दीपोत्सव का कार्यक्रम आम जनता को जागरूक करना हमारा मकसद था, जो पिछले दिनों
संपन्न हुआ। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम भोजन करवा रहे हैं। शनिदेव की मंशा है दीन दुखी सबकी जो है सेवा करना ही मूल सेवा है, यही राष्ट्र भावना है। इसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज एक विशाल भंडारा का समिति द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और मैं इस अवसर पर अपील करूंगा आम लोगों को, जनमानस को ये अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में अपने आसपास पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। जितने ज़्यादा पर्यावरण के प्रति सचेत होंगे उतने ही ज़्यादा आप जो है अपने जीवन को उन्नत और सुखी बना पाएंगे। क्योंकि अभी आपने देखा है कि पर्यावरण के प्रति लोगों के जो है एक जिस तरीके से हम अपेक्षित है वैसा नहीं होने से कोरोना ही आया है। ऐसी स्थिति में इस परिस्थितियों में पर्यावरण के प्रति मैं पुनः आपसे जो है आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप अपने आसपास साफ सफाई रखिए और देश के विकास और तरक्की में अपना योगदान दीजिए। ये शनिदेव कई वर्षों से यहाँ स्थापित है पर इनका जीर्णोद्धार पिछले 1.5 साल से हुआ है। और यहाँ एक अच्छी बात देखने को ये मिली है कि जब शनिदेव का जिस तरह से जीर्णोद्धार हुआ स्वमेव ये रास्ता जो वर्षों से जो विकसित नहीं था स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसी बात हुई कि यहाँ पर ये सड़क जो है आज काफ़ी अपने पूर्ण रूप में आ चुका है। साथ में जो है पहले से यहाँ पे लोग जो है आना जाना ज़्यादा हो गया है, अधिक होने ज़्यादा आने जाने से ये एक व्यस्ततम मार्ग भी बन गया है। ऐसी परिस्थिति में हम निगम से यह अपील करना चाहेंगे अगर यहाँ अगर जगह थोड़ा सा दे दें तो समिति अपने खर्च से उस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। यही अपील करूँगा मैं नगर निगम से और स्थानीय प्रशासन से। जी अपना नाम बताएं। राकेश कुहार ठाकुर, समिति प्रमुख। शनि महाराज का जन्मोत्सव है ना, आज सभी देशवासी मिलके शनि महाराज का जन्मोत्सव मनाते हैं। सिन्हापुर में भी आज शनि महाराज का जन्मोत्सव है। जैसे कि हम लोग प्रतिवर्ष, मेरे को आए 2 साल हो गया है, तो 2 साल से अपन ये कार्यक्रम कर रहे हैं, दीप जलाने का कार्यक्रम किए हैं और अपना शनिदेव का यज्ञ हवन किए है ना, और प्लस दिया जलाएँ। और ये अभी अपना सीताराम घाट बना है, अभी रानी सागर में नया बना है, उसका अपन दीप जलाए तो एक प्रकार से अपन उद्घाटन हम ही लोग कर डाले हैं। निगम प्रशासन तो करेगी ही, लेकिन एक शनिदेव के माध्यम से इस समय में पड़ा, इस नक्षत्र में पड़ा, तो उद्घाटन हमारे तरफ से हो गया है। और प्लस हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मतलब हम सभी को सुख समृद्धि देखना चाहते हैं। अंकल जी बताए जैसे कि पर्यावरण के बारे में है ना, यहाँ रानी सागर के बारे में, और प्लस मंदिर का थोड़ा सा जीवनों उद्धार करने के बारे में बताया गया। मैं बसंत कुमार दुबे, उपमनी गोत्र, राजनांदगांव, ममता नगर में का रहने वाला हूँ। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। राकेश भैया और भाभी, मतलब मैं उनके मतलब धैर्य और उनकी मतलब उनको मतलब मैं धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। और हमें भी मतलब प्रोत्साहन मिल रहा है कि हमें भी शनि भगवान के चरणों में अपना मतलब मन लगाना चाहिए और हमें भी ऐसे आयोजन में अपनी पूरी सहभागिता देनी चाहिए। हमारी हार्दिक इच्छा यही है कि राकेश भैया और निशा भाभी के नेतृत्व में प्रतिवर्ष ऐसे शनि महोत्सव का आयोजन होता रहे और हम अपना सहयोग प्रदान करते रहें। धन्यवाद। कि आज 3रा दिन है शनि महोत्सव का और बड़े हर्ष और भक्तिमय वातावरण में ये कार्यक्रम हम रानी सागर के किनारे में ये चौपाटी स्थल के पास में बड़े मनोरम दृश्य के साथ में भक्ति भाव के साथ इस 3रे दिन हम शनि महोत्सव का कार्यक्रम समापन की ओर है। भंडारा का कार्यक्रम चल रहा है। पहले दिन 11,000 हमारे जो दीपक प्रज्वलित किए गए आदरणीय राकेश ठाकुर और भाभी निशा ठाकुर के नेतृत्व में, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। पहले दिन जब चारों तरफ रानी सागर के चारों दिशा में जगमग जगमग ज्योति जली, ऐसा लगा कि भगवान शनि महाराज साक्षात प्रकट हो गए और अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए उतर आए हैं स्वर्ग से। और आज भी ये 3रा दिन
हमारे आदरणीय राकेश ठाकुर और आदरणीय भाभी निशा ठाकुर के दोनों युगल जोड़ी आज यज्ञ पूजन हवन विधि विधान से किए। हम सभी ने उनका साथ दिया, सहभागी बने और ये पूर्ण का जो अवसर मिला है शनि महोत्सव का, ये जो पहला कार्यक्रम मेरे हिसाब से, मेरे जानकारी में पूरे शहर में ये पहला आयोजन है जो शनि महोत्सव के रूप में इतना बड़ा कार्यक्रम 3 दिवसीय शनि महोत्सव के रूप में मनाया गया। इसमें हमारे महाराज जी भी पूरे तीनों दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा किए और नगरवासी, हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति और हमारे इस समिति, आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता तन मन धन से सहयोग किए हैं। मैं सभी को लिए मैं भगवान शनि देवता से प्रार्थना करती हूँ कि सभी के मंगलमय जीवन हो, सुखमय जीवन हो और हमारा ये संस्कारधारी राजनांदगांव जो है वो पूर्ण जो है रहे और सदा सबका जीवन खुशहाल रहे, सुख शांति से जीवन रहे। हमने 2 साल कोरोना काल में हमने जो अनुभव किया अब वो ऐसा कभी संकट ना आए, बस यही प्रार्थना करते हुए बोलो शनि महाराज की जय। मैं श्रीमती पूर्णिमा साहू और मैं अभी वर्तमान में आयोजन समिति के साथ भैया और भाभी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्य समझती हूँ। जय शनिदेव। बोले शनि महाराज की जय। शनिदेव जी हैं 9 ग्रहों में सबसे मुख्य माने जाते हैं और आज उनका जन्मोत्सव है, आज शनिश्चर जयंती भी है और जन्मोत्सव भी है। इस कारण हमारे रानी सागर तट में भंडारा का आयोजन किया गया है। भगवान की कृपा से भंडारा का प्रसाद अति स्वादिष्ट बना है और बहुत सारे भक्तजनों की भीड़ लगी हुई है और बहुत दिनों दिन श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं। भगवान की कृपा है। बोले शनिदेव महाराज की जय। आपका नाम बताएं। मेरा नाम ठकेश प्रसाद दुबे। सभी श्रद्धालुओं ने यहाँ पर प्रसादी ग्रहण किया है। मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और हम सब राजनांदगांव वासियों पर भगवान शनिदेव की कृपा, उनका आशीर्वाद हम सब पर बने रहे और हम सब राजनांदगांववासी सुख समृद्धि के ओर अग्रसर होते रहें, ऐसी मैं भगवान शनिदेव से प्रार्थना करता हूं और पुनः आयोजन समिति को इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। राम जी भारती, पूर्व विधायक। शनि जन्म उत्सव के अवसर पर संस्कारधानी राजनांदगांव में ये पहला मौका है कि जब शनिवार के दिन 11,000 दीप प्रज्वलित करके रानी सागर के तट पे एक अलौकिक आनंद प्राप्त हुआ और आज सोमवार को एक विशाल भंडारे का आयोजन समिति के द्वारा किया गया है जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और मैं भगवान शनिदेव से प्रार्थना करता हूँ कि उज्जवल भविष्य की कामना के लिए सबको समृद्धि और प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद। विजय हरियाणो राजनांदगांव।